हेलो एंड वेलकम टू बजट किचन। मैं हूं प्रणव, आपका दोस्त, आपका होस्ट। भाई, बचत एक ऐसी आदत है जो कभी छूटनी नहीं चाहिए। चलिए, आज जो डिश बनाने वाले हैं उसका नाम है सुक्तो, जो बंगाल से है। तो सबसे पहले जो बढ़िया से ब्रिंजल हमने खरीदे उसको हम डाइस कर लेंगे। चलिए, अब इसको बाउल के अंदर डाल देंगे हम। इसको हम रख देंगे बाजू में। तो चलिए, अब हम इसकी पेस्ट बनाएंगे सुक्तो की। उसके लिए मुझे चाहिए 4। उसके अंदर हम डालेंगे खसखस, करीब 1 टेबलस्पून जितना। इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी राई। राई और खसखस को मैंने पहले से ही पानी के अंदर, वार्म वाटर के अंदर भिगो के रखा था। करीब 1 टेबलस्पून जितना राई डालेंगे। उसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा जिंजर, जस्ट रफ चॉप किया हुआ। उसके अंदर डालेंगे 2 छोटी हरी मिर्ची। कहते हैं जितनी मिर्ची छोटी और पतली होती है उतनी ही स्पाइसी होती है, तो मेक श्योर के आप मिर्ची ज़्यादा ना डालें। अब डालेंगे उसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट। अब हम बनाएंगे इसका एक पेस्ट। चलिए, अब ये तैयार है। इसको हम एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। चलिए, हमारा बढ़िया सा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसको कुक करेंगे। उसके लिए मुझे चाहिए एक पैन। इसके अंदर डालेंगे तेल, अप्रॉक्स 1 से 1.5 चम्मच जितना। चलिए, अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा राई, थोड़ी सी हल्दी, देखिए कितना बढ़िया सा कलर आ रहा है इसके अंदर। अब हम डालेंगे इसके अंदर बैंगन। बचपन में मुझे बैंगन थोड़े भी पसंद नहीं थे, पर आई थिंक जैसे जैसे मैंने बैंगन बनाना चालू किए, जैसे जैसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंगन देखे, स्टार्टेड लाइकिंग इट। और आई थिंक आज ये है कि हफ्ते में 2 या 3 बार तो मुझे बैंगन चाहिए ही चाहिए। अब हम डालेंगे इसके अंदर पेस्ट जो हमने पहले से बनाया था, ऑलमोस्ट 1/2 टेबल स्पून जितना। हमारा पेस्ट जो बच गया है वो चिंता मत करें, वो आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रिज के अंदर ग्लैड रैप करके रख दीजिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे दूसरे वेजिटेबल्स। चलिए, अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़े से कैरेट्स। द इंग्रेडिएंट जो सब लोगों को पसंद नहीं होता है करेला, पर मुझे करेला भी अब बहुत पसंद है, क्योंकि पहले मैं करेला कभी नहीं खाता था। पर आई थिंक एज यू स्टार्ट कुकिंग आप यू फॉल इन लव विद वेजिटेबल्स। तो अभी करेला भी मुझे चाहिए ही चाहिए। आई थिंक 1 महीने में 1-2 बार करेला तो मैं खा ही लेता हूँ। इसके अंदर डालेंगे थोड़े और करेला, डालेंगे उसके अंदर थोड़े से पीस यानी कि मटर, इसके अंदर डालेंगे थोड़े से पोटैटोस। अगर आपको पोटैटोस कम पसंद है तो आप कम डालिए, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालिए। इसको बढ़िया सा आप टॉस कर लीजिए एक बार। अब इसके अंदर हम डालेंगे कच्चा केला। और उसके अंदर डालेंगे तुरई। और इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है। इसके अंदर हम डालेंगे अब थोड़ा सा सॉल्ट। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा मिल्क। और थोड़े टमाटर्स, अप्रॉक्स 2 टेबलस्पून जितना। और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हम।
इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के हम उसको सिमर करेंगे प्रॉबेबली 1 से 2 मिनट तक। वैसे तो आई लव वेजिटेबल्स, मैं वेजिटेबल्स बहुत ही खाता हूँ और स्पेशली इतने सारे वेजिटेबल्स देख के मेरे मुंह में काफ़ी पानी आ जाता है। देर इज़ लॉट ऑफ रेसिपीज़ आई थिंक इफ़ यू गो रीजन टू रीजन, अलग अलग स्टेट्स में जाइए, अलग अलग प्रांत के अंदर जाइए, सबकी एक ना एक कोई ना कोई एक टिपिकली डिश होती है। हमारे वहाँ होता है एक बहुत फेमस सा उंदियू जो एक फेस्टिवल के टाइम पर आता है। आई थिंक इट इज़ वेरी सिमिलर टू दैट, लॉट ऑफ वेजिटेबल्स है इसके अंदर। इट इज़ सेड के अगर इफ़ यू वॉन्ट टू जज अ गुड कुक इन बंगाल यू मस्ट ट्राई हिज सुप्तो। तो सुप्तो खाने से ही पता चलेगा कि वो कुक कितना बेहतर है। चलिए अब ऑलमोस्ट हमारा सुप्तो रेडी है, अब इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा शक्कर यानी कि शुगर, जस्ट ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून जितना। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आइए अब इसे हम सर्व कर लेंगे। चलिए ये बढ़िया सा सुप्तो रेडी हो गया है और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये टेस्ट करेंगे तो आप कहेंगे कि मैं भी वर्ल्ड का बेस्ट कुक हूँ। फूड फूड इट्स सिज़लिंग।